तो जैसे ही आप देख सकते हो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ डब्ल्यू बी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का कट ऑफ लो रहने वाला है इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन आ रहा था और बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि 2021 से रिलेटेड कट ऑफ जाएगा कि 2022 से 2021 वर्सेस 2022 के बीच में हमारे पास में कट ऑफ किस लेवल पर जाएगा मैं आपको बताने वाला हूँ अब यार ये जो दो साल का पेपर है ना इस दो साल का पेपर का सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूँ किस लेवल का पेपर हुआ था ये जो था ना बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था ठीक है ये क्या था ये था ईजियर दैन दो हज़ार इक्कीस ठीक है ईजियर दैन ट्वेंटी वन तो दो हज़ार इक्कीस से ईजी पेपर था लेकिन यार एक मॉडरेट पेपर था डिसेंट पेपर था हल्का फुल्का पेपर नहीं था बिल्कुल ठीक है ना मतलब एक डिसेंट पेपर था तो इस पेपर में यार हमारे पास में इसमें तो यार आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लो जाएगा बहुत ज़्यादा लो गया ठीक है वेरी लो ठीक है और इसमें भी क्या गया इसमें इससे तो ऊपर गया लेकिन यार एक मीडियम वाला कट ऑफ गया था ठीक है ऊपर तो गया था डेफिनेटली ऊपर गया था 2021 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था लेकिन यार एक मीडियम वाला ही कट ऑफ गया था इससे बहुत ज़्यादा ऊपर लेकिन यार मतलब थोड़ा सा लेंदी पेपर था 2022 का मान के चलो ठीक है और 2023 का जो पेपर आया इसमें यार मैथ्स काफ़ी ज़्यादा घुमाया ठीक है पेपर लेवल जो है काफ़ी बच्चों के हिसाब से हार्ड था और ओवरऑल में आपका कट ऑफ जो है थोड़ा सा लो जाने वाला है ठीक है ओवरऑल में जो आपका पेपर है ना वो यार थोड़ा सा कट ऑफ लो जाने वाला है मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट करके बताया था लेकिन उसके बाद में भी और ज़्यादा लो जाने वाला है पहले ही मैंने आपको बताया था ये प्रीवियस रिव्यू है ठीक है प्रीवियस रिव्यू आपके पास में मैंने दिया था कि आपका कट ऑफ जो है लो जाने वाला है लेकिन इस बार इस बार आपका जो कट ऑफ है और ज़्यादा लो जाने वाला है अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों और ज़्यादा लो जाने वाला है ठीक है इससे भी ज़्यादा लो इससे भी ज़्यादा लो हमारे पास में जाने वाला है प्रीवियस रिव्यू से भी क्यों ज़्यादा जाने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ अब यार सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि डब्ल्यू का काउंसलिंग डेट्स कब का आएगा ठीक है ये लास्ट वीडियो में ही मैंने बात किया इस वीडियो में भी थोड़ा सा बात करते हैं कि यार डब्ल्यू का जो आपका काउंसलिंग डेट्स है ना 2021 में जो हमारे पास में डेट्स था दो में डेट्स था जिस हिसाब से हो रहा था इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे पता है लेकिन लेट होने का रीज़न है मैंने आपको बताया कि ए का आपका जो है बेसिकली अप्रूवल नहीं आया है अभी तक ठीक है ना अप्रूवल आएगा अप्रूवल आएगा किसको कॉलेजेस को और कॉलेज के पास में जैसे अप्रूवल आ जाएगा डब्ल्यू हमारे पास में एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा ठीक है सेंट्रलाइज काउंसिलिंग आपके पास में स्टार्ट हो जाएगी सेंट्रलाइज काउंसिलिंग में आपको यार चॉइस फिलिंग करना होता है आपको पता है कि इस चॉइस फिलिंग में यार बहुत सारे बच्चों का डाउट है ठीक है तो यार चॉइस फिलिंग में हमारे टीम के द्वारा आपको जो है प्रॉपर चॉइस फिलिंग पी बना के दिया जाएगा हमारे टीम के द्वारा और कौन बनाएंगे जो डब्ल्यू के एक्सपर्ट्स हैं मतलब कौन है जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स है एक्स स्टूडेंट्स हमारे जो है एक्स स्टूडेंट्स जो है एक्स स्टूडेंट्स कौन है डब्ल्यू के एक्स स्टूडेंट्स है जो डब्ल्यू के कॉलेज में हमारे पास में पढ़ रहे ठीक है थीके? डब्ल्यू बी में हमारे पास में वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो हमारे क्या है टीम मेंबर्स है ठीक है हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे टीम मेंबर्स है आज की डेट में वही लोग क्या कर रहे हैं एक्सपर्ट के हिसाब से आपके लिए जो है पी बना रहे हैं ठीक है प्रॉपरली मेहनत करके आपके लिए पी बना रहे इस पीडीएफ को आपको जो है प्रॉपरली दिया जाएगा और आपके रैंक के अनुसार में जो है आपको प्रॉपरली बना के दिया जाएगा जो भी आपका चॉइस फिलिंग होना चाहिए ठीक है जो भी आपके रैंक अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग होना चाहिए वो आपको बना के दे दिया जाएगा आपके सारे कॉलेज यहाँ पे रहेंगे ब्रांच के अकॉर्डिंगली आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको बस वो सजा के देना है लेकिन आपका बुद्धि यूज़ करते हुए ऐसा नहीं कि पूरा चेप दिया ठीक है बुद्धि यूज़ करना है बुद्धि भी आपको हम लोग ही बना के देंगे कहाँ पे बना के देंगे अब देखो यहाँ पे हमारे पास में सेशन चल रहा है जो कि हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ठीक है ये हमारे टीम मेंबर्स नहीं है लेकिन ये हमारे फैमिली मेंबर्स है डेफिनेटली हमारे कोर्स में एनरोल्ड थे आज की डेट में दूसरे डब्ल्यूबीजे के कॉलेज में पढ़ रहे हैं ठीक है हर एक कॉलेज का वो आई हो जाए हेरिटेज हो जाए टेक्नो हो जाए हल्दिया हो जाए ठीक है जादापुर हो गया कल्याणी हो गया ठीक है हर एक कॉलेज का हर एक इंडिविजुअल कॉलेज का कैलकट यूनिवर्सिटी का हो गया हर एक कॉलेज का बंदा आ रहा है ठीक है नेताजी हो गया ए हो गया हर एक कॉलेज का बंदा आ रहा है आपको प्रॉपरली उनका कॉलेज एक्सपीरियंस बता रहा है उनके कॉलेज के अंदर में गेट का क्या प्रिपरेशन होता है क्या प्लेसमेंट का सिनारी है क्या आपका ओवरऑल कॉलेज रिव्यू है वो आपको डायरेक्टली आप पूछ सकते हो कुछ भी पूछ सकते हो वो आपको आंसर कर रहे हैं ठीक है ना ये जो रिव्यूज है ना ये सेशन है ना यही असली चीज है यही आपको प्रॉपरली समझाएगा कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है आपको कॉलेज किस तरीके से चूज करना है दो कॉलेज के बीच में कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना है वो चीज आपको हमारे टीम के साथ में सिखाया जाएगा साथ में आपको कट ऑफ के पीडीएफ जो है मिलेंगे पर आप आपको पोस्टर दिखा दूंगा आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा इस बैच को यार अगर आपको एक्सेस करना है इस बैच को एक्सेस करने के लिए ओनली टू नाइन्टी हम लोग चार्ज कर रहे हैं जो कि यार आप लोगों को मार्केट में सिर्फ पीडीएफ बना के दे करके चार्ज किया जा रहा है हमारे पास में आपको प्रॉपर हर एक दिन सेशन मिल रहा है ठीक है ना हफ्ते में यार पांच छह दिन कुछ मिल रहा है ठीक है हर हफ्ते नहीं हो पाता लेकिन यार ओवरऑल में पांच से छह दिन आपको बेसिकली मिल रहा है सेशन ठीक है ना यहां पर यार टू नाइनटी में टिल योर मॉपअप राउंड आपको इसी तरीके का गाइडेंस जो है मिलेगा ठीक है मेनली चॉइस सिलिंग से पहले आपको मेनली सारे स्टूडेंट्स को लेकर के आगे सेशन करवाएंगे उसके बाद में कॉलेज सिलेक्शन से, से पहले कुछ ग्रैंड सेशन होगा जिसके अंदर में आपको वो लोग वापस से आके जो है थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेंगे ये पूरा बैच में आपको अगर एनरोल करना है या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप टीम को आपको रीच आउट करना है व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करोगे ठीक है आप हमारे टीम को मैसेज करोगे जैसे ही हमारे टीम आपको रिप्लाई देगी आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे ठीक है स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करोगे यूपीआई नंबर से पेमेंट कंप्लीट करोगे करके या जैसे स्क्रीनशॉट भेजते हो आपका एडमिशन हमारे तरफ से डन कर दिया जाएगा और प्रॉपरली जो है आपको सारे के सारे पी जो है मिल जाएंगे ठीक है ना सारे के सारे पी आपको मिल जाएंगे इस बैच के अंदर में अगर आपको एनरोल करना है यार फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो कट ऑफ क्यों लो जाने वाला है यार सबसे पहले बताने वाला हूँ कि कट ऑफ यार लो जाने वाला है बिकॉज कि यार आपके पास में यहाँ पे जोशा का काउंसलिंग जो है हो जाएगा तब तक जब तक डब्ल्यू यार काउंसलिंग स्टार्ट करेगा बहुत हद तक हमारे पास में जोशा का काउंसलिंग हो जाएगा जैक दिल्ली से हमारे पास में पच्चीस तारीख हमारे पास में लास्ट डेट है अभी ठीक है ना पच्चीस तारीख आपका बेसिकली लास्ट डेट है जैक दिल्ली का जो हमारे पास में काउंसिलिंग है तो बहुत बच्चे जेईमएस दिए हमारे बैच में कुछ बच्चे जो जे ईम एस दिए जिनको ज़्यादापुर ऑलरेडी मिल रहा है ठीक है लेकिन वो लोग जो है हमारे पास में एन एस ये सारे कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं ठीक है दूसरे एन को प्रेफर कर रहे ट्रिपिलाइटिस को प्रेफर कर रहे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो यार वो क्या करेंगे वो यार ये कॉलेज में ये कॉलेज में ठीक है कॉमेट के काउंसलिंग हो रहा है ठीक है कॉमेट के का सेम टाइम पे स्टार्ट होगा डब्ल्यू बीजे के टाइम पे तो उस टाइम पे हमारे पास में कॉमेट का कॉलेज होगा तो हर एक कॉलेज में हमारे पास में बच्चा चला जा जाएगा ठीक है ना तो डब्ल्यू का यार हर साल क्या होता है कि डब्ल्यू जिस टाइम पर काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है ठीक है मान लो कि डब्ल्यू जिस टाइम पर कंडक्ट करवा रहा है उस टाइम पर यार सारे काउंसिलिंग नहीं हुए हुए थे ठीक है सारे काउंसिलिंग अभी तक नहीं हुए थे लास्ट ईयर उससे पहले ईयर ठीक है लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जैसे कि जोसा का काउंसलिंग काफ़ी हद तक हो जाएगा ठीक है जैक दिल्ली का काउंसलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कॉमेट का काउंसलिंग मैंने आपको बताया अब सैट का भी हमारे पास में होने वाला है ठीक है मणिपाल का चल रहा है एस का चल रहा है हर जगह चल रहा है तो यार डब्ल्यू के अंदर में हमारे पास में जो लो कट ऑफ है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा देखो गवर्नमेंट में हमारे पास में लो कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज गवर्नमेंट में ज्यादातर वेस्ट बंगाल के बच्चे ही आते हैं ठीक है ना ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के बच्चा होता है आपको पता है प्राइवेट में यार बहुत सारे बच्चे जो है बिहार झारखंड ओडिशा ये सारे स्टेट से आते हैं आसाम से आते हैं ठीक है नॉर्थ बंगाल से बहुत सारे बच्चे हमारे पास में आते हैं वो तो यार बंगाल का ही हिस्सा है ठीक है लेकिन यार गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में हमारे पास में क्या है कि यार कट ऑफ सेम तरीके का रहेगा बिकॉज बंगाल वाले बच्चे हमेशा आते ही रहेंगे ठीक है ना लेकिन यार प्राइवेट में क्या होता है प्राइवेट में यार बहुत बच्चे नहीं आएंगे ठीक है प्राइवेट में बहुत बच्चे नहीं आएंगे बाहर से जो आते हैं क्यों नहीं आएंगे बिकॉज उनको कॉमेट के में मिल जाएगा ठीक है हालांकि डब्ल्यू में थोड़ा सस्ता हो रहा है इसलिए बहुत बच्चे डब्ल्यू में भी आएंगे लेकिन यार कॉमेट के में वो चले जाएंगे वो कहाँ चले जाएंगे वो जोसा में चले जाएंगे वो कुछ हमारे पास में चले जाएंगे दूसरे जो भी हमारे पास में काउंसलिंग है उसके थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस में जैसे ही वो बंदा उस कॉलेज में चले जाएगा ना तो आपके पास में यहाँ पर सीट वैकेंसी आएगा वैकेंसी आएगा ठीक है वो वैकेंसी हमारे पास फिल करने के लिए क्या होगा दूसरे राउंड में आपको बेसिकली एक सीट अलॉट हो जाएगा ठीक है ना अलॉटमेंट आपको हो जाएगा तो यार अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कट ऑफ क्यों लो जाएगा वो आपको बता दिया प्रीवियस रिव्यू तो मैंने आपको आप बेसिकली जाकर के देखो जो एग्जाम रिव्यू वाला वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ डब्ल्यू बीजे का उसमें बताया था यार कट ऑफ लो जाएगा पेपर हार्ड आया है लेकिन यार अब काउंसिलिंग का जो सिनारी आया है इसमें और ज्यादा लो जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों जाएगा वो भी आपको मैंने कारण समझा दिया काउंसिलिंग का डेट्स यार क्यों पीछे हो रहा है वो भी कारण समझा दिया वो कारण सब कुछ समझा के आपको बेसिकली मैंने बता दिया अगर आपको हमारे बैच के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट करना है यार फटाफट आज ये एनरोलमेंट कंप्लीट करो बहुत सारे बच्चे अक्रॉस इंडिया अभी तक रोमेंट कंप्लीट कर चुके और बहुत सारे बच्चे एनरोलमेंट कर रहे हैं आपका काउंसलिंग थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है तो बच्चे यार बहुत ज्यादा परेशान है मैंने बच्चों को बता के रखा हुआ है कि यार आप लोग अभी परेशान मत रहो आप समझो कि ये यार सुहाना मौका है कि यार आप सारे सीनियर से बात कर पा रहे हो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपने डाउट्स को और प्रॉपरली चीजें समझ पा रहे हो ठीक है ना एनालाइज करो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आपका कुछ भी डाउट है डेफिनेटली हमारी टीम को आप रीच आउट कर सकते हो हम लोग आपको पूरी मदद करेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय